नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत और कनाडा के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, बीच की खटास बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ कनाडा दिखावा कर रहा है कि हम भारत से रिश्ते मजबूत चाहते हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ कनाडा में इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह के काम हो रहे हैं जिससे कि भारत बहुत नाराज है। और अब भारत ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। भारत ने जो अब से कुछ दिन बाद मीटिंग होने वाली थी उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया और ये बोल दिया है कि जब तक ये काम क्लियर नहीं होंगे, ऐसी प्रतिक्रिया होती रहेगी, तब तक भारत कोई भी मीटिंग नहीं करेगा जब तक क्लियर नहीं होगा। दरअसल वहां पे हो क्या रहा है, फिलहाल वहां पे मोदी जी, एस जयशंकर और संजय कुमार, इस तरह के ये तीन नामों के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं अलग अलग शहरों में। और ये कहा जा रहा है कि जो भी इन्हें मारेगा, जो भी इनकी हत्या करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इसके पोस्टर की जो शुरुआत हुई है, वो पोस्टर की शुरुआत हुई है उसी गुरुद्वारे से जहाँ पे निज्जर की हत्या हुई थी। हम तो उसे आतंकवादी ही बोलेंगे, हम उसे खालिस्तानी ही बोलेंगे। देखिए संजय कुमार, ये वाला पोस्टर वहाँ पे लगाया जा रहा है, हर जगह पे वहाँ पे लगाया जा रहा है और निज्जर को शहीद बताया जा रहा है। तो ये जो शहीद वहाँ के लिए निज्जर है, ये हमारे लिए आतंकवादी है और बहुत बड़ा आतंकवादी था। मतलब तो सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी लोग इस काम के बीच में आएंगे, उन्हें यही अंजाम दिया जाएगा। अब आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या हमारे इंडिया ने, भारत ने ये सही किया है उनके साथ मीटिंग कैंसिल करके, उनके साथ धीरे धीरे से सब रिश्ते ख़त्म करके, कि क्या ये सही किया है या नहीं किया है, ये आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। उससे भी बड़ी बात, कनाडा भारत को झुकाना चाहता है। चंद मुट्ठी भर लोग इकट्ठा होकर भारत को झुकाना चाहते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं है कि आज का भारत ये वो भारत है जो उसे अमेरिका तक नहीं झुका सकता। ये वही अमेरिका है जो अब से कुछ सालों पहले ये कहता था कि भारत एक छोटा सा और तुच्छ सा देश है, उससे कुछ नहीं कर सकता। आज वही अमेरिका है जो हर तरह भारत के साथ खड़ा है, जो हर तरह से भारत के लिए खड़ा है। ठीक है, तो ये आप चीज़ समझिए कि भारत आज कितने आगे चल रहा है। भारत को आंख दिखा सके ऐसा कोई देश नहीं है। भारत सबकी आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकता है, फिर कनाडा की तो औकात ही क्या है। तो कनाडा को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। खैर, ये जो कुछ लोग हैं धीरे धीरे से ही सही लेकिन ख़त्म होंगे। और भारत में तो इन लोगों पर बैन लग ही चुका है, पहले ही वीज़ाज वगैरह कैंसिल हो चुके हैं। तो अभी देखना ये है कि भारत का अगला रुख क्या होगा, आपके हिसाब से अगला रुख क्या होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और साथ ही साथ भारत ने जो अभी ये एक्शन लिया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कि भारत ने मीटिंग कैंसिल करके अच्छा किया या नहीं किया, वो कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ इसराइल और हमास युद्ध से निकल कर आ रही है। दरअसल अब से कुछ घंटों पहले अब बात करें तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में फ़ोन पे बात हुई है। और ये बात ऐसी नहीं है कि 2-4-10 मिनट हुई है, पूरी 45 से 50 मिनट बात हुई है। ये एक घबराने वाली बात है। इसराइल के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं अरब देश, उसमें कहीं ना कहीं अंदर खाने तुर्की भी शामिल है। और इस चीज़ को अमेरिका पहले से जानता था। जी हाँ, इस चीज़ को अमेरिका पहले से जानता था कि अगर इसराइल के साथ में इस तरह से ये हमले हुए तो ये सारे देश धीरे धीरे करके एक हो जाएंगे। उसमें सऊदी अरब, ईरान और तुर्की भी शामिल हो चुका है अंदर खाने। अब ये लोग डायरेक्टली क्या इस युद्ध में भाग लेंगे, क्या ये इसराइल के खिलाफ जाएंगे, तो ऐसा देखिए होना इनके लिए अभी ऐसा करना नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया तो यूएस ने, यानी कि अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जी हाँ, यूएसएस ने अपना यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड नाम का जो युद्ध पोत है, सबसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, उसे भेज दिया है। इस पर एक वक्त में 90 फाइटर जेट्स यहाँ पे तैनात हैं, जिसमें से 35 तो F-35 हैं, कुछ F-15 हैं, कुछ F-16 हैं, इस तरह से अलग अलग करके 90 फाइटर जेट इस पर ऑलरेडी तैनात हैं। 4500 लड़ाके तैनात हैं। खुद इसकी फायर पावर इतनी है कि ये ऐसे छोटे छोटे कई देशों को ख़त्म करने की हिम्मत रखता है अकेला ही। जी हाँ, ये अकेला ही ऐसे कई छोटे छोटे देशों को ख़त्म करने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। इसके सामने अगर बात करें ईरान की, अगर बात करें हम सऊदी अरब की, तो कहीं नहीं ठहरते हैं। क्योंकि इसमें 90 फाइटर जेट्स वो तैनात हैं जो दुनिया में टॉप 10 में आते हैं। टॉप 10 वाले 90 फाइटर जेट्स इसमें
ऑलरेडी तैनात हैं जो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार हैं। ये युद्ध पोत जो है ये बिल्कुल इसराइल के पास जाके खड़ा हो गया है और इसराइल की रक्षा कर रहा है। देखेगा ये कि जब भी अगर किसी ने भी इसराइल की तरफ या इस युद्ध पोत की तरफ एक गोली भी चलाई तो वो उसके सर्वनाश का कारण होगा। तो फिलहाल तो ये नहीं लगता ऐसा कि ये छोटे छोटे जो अरब देश हैं वो इसराइल पे हमला करेंगे, लेकिन ये फंडिंग ज़रूर कर सकते हैं, चाहे वो हमास हो चाहे वो हिजबुल्ला हो। ये दो आतंकी संगठन हैं जो अब भी हमला कर रहे हैं इसराइल पे, लेकिन ये इन्हें फंडिंग करके और भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी जो यहाँ पे जिस हिसाब से ये युद्ध कर रहे हैं उससे ये पता चलता है कि युद्ध की ये जो नीति है ये काफ़ी पहले से तैयार हो रही थी। खुद हमास ये कह चुका है कि हमें इस प्रक्रिया को करने में, इसे बनाने में 2.5 से 3 साल का समय लगा है। इनका प्लान ए फेल होता है तो बी शुरू होता है, बी फेल होता है तो सी शुरू होता है। पहले वो पैराशूट और पैराग्लाइडिंग के थ्रू इसराइल में उतर रहे थे, उसे काउंटर किया गया, तो अब वो पानी के रास्ते इसराइल में पहुंच रहे हैं। अभी देखते हैं कि इसराइल का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इसराइल पे नज़रें बनाए हुए हैं, भारत की हर जनता इसराइल के साथ में है, भारत का हर इंसान इसराइल के साथ में है। पीएम मोदी ने भी ऐसा ट्वीट करके बताया है, कहा है इसराइली पीएम को कि हम आपके साथ हैं, हर तरह से जैसे भी ज़रूरत पड़े हम आपके साथ हैं, क्योंकि इसराइल वही देश है जब किसी ने भी साथ नहीं दिया था। कारगिल में बिना किसी संधि के इसराइल ने हमारा साथ दिया था हर तरीके से। तो अब ये वक्त है जब भारत को इसराइल का साथ देना चाहिए, और भारत दे भी रहा है हर तरीके से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।